Dear students, in this lecture, we shall learn how we can do the marginal analysis of the revenue function. So let us see. Here you can see we have assumed a total revenue function. And the total revenue function is R is equal to 10Q minus Q square. We can see it's a quadratic function and its degree is equal to 2. Now, how we can find the marginal revenue function? Simply by taking the derivative of the revenue function. And here we have calculated the derivative with respect to Q, because Q is the independent variable with respect to which humne iska derivative calculate karna. So aap dekh sakte hain ke by using the rules of derivatives, we have found the marginal revenue, which is 10 minus 2Q. Hum is value ko note kar sakte hain. अब जहां पे हमने मार्शल को कैलकुलेट किया है, एवरेज भी यूजफुल वैल्यू है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड सिंपली बाय डिवाइडिंग द रेवेन्यू फंक्शन विद द आउटपुट, वी कैन गेट द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन. और इस स्लाइड में आपके सामने एवरेज रेवेन्यू फंक्शन को इसी फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट किया गया, जिसकी वैल्यू है 10 माइनस क्यू. अब ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, इसके अलावा जो ओरिजिनल रेवेन्यू फंक्शन है वो भी है. इन्हें हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि इनका क्या ट्रेंड है, ये कैसे ओवर आउटपुट रेंज चेंज हो रहे हैं. आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि एज पर द थ्योरी जो एमआर है उसकी स्लोप ज्यादा है एआर से, क्योंकि एमआर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में और एआर जो है वो ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर में है, और टी आर जो है वो ग्रे कलर में है, और टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं जिसे हम स्टैंडर्ड थ्योरी में स्टडी करते हैं वो वैसे ही डिक्लाइन होता नजर आ रहा है. सो आपने देखा कि एक रेवेन्यू फंक्शन का हम एनालिसिस इन बोथ सेंसेस, दैट इज द सेंस ऑफ मार्जिनल एज वेल एज द सेंस ऑफ एवरेज, वी कैन एनालाइज इट एंड वी कैन सी इफ इट इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड थ्योरी, क्या वो स्टैंडर्ड थ्योरी पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा.